बटलर और बॉक्स ने की पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई। इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीता पहला टेस्ट। हार्पर मोला क्रिस वॉक्स ने नाबाद 84 और विकेट कीपर जॉस बटलर ने 75 रनों की अर्धशतक की पारी और दोनों के बीच 6 विकेट के लिए 139 रनों की साझेदारी से इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 3 विकेट से धोकर रख दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस रोमांचक मुकाबले में बटलर और बॉक्स ने उस समय मोर्चा संभाला जब टीम 117 रन पर 5वें विकेट गवा कर मुश्किल में फंस गई थी। दोनों ने क्रिस पर आते ही बेखौफ होकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के दबदबे को खत्म किया। इस साझेदारी को अनुभवी लेग स्पिनर यासीन शाह ने बटलर को आउट कर तोड़ा। बटलर ने 101 गेंद की पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। जब बटलर आउट हुए तो इंग्लैंड को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। बटलर के आउट होने के बाद भी बॉक्स एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने शाहीन अफरीदी की गेंद पर चौका लगाकर टीम को शानदार जीत दिला दी। उन्होंने 120 गेंद की पारी में 10 चौके लगाए। पाकिस्तान के अनुभवी लेग स्पिनर यासिर शाह ने 99 रन देकर 4 विकेट। उन्होंने पहली पारी में भी 4 विकेट लिए थे। ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पाकिस्तान की दूसरी पारी को 169 रन पर समेट कर इंग्लैंड ने पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद अच्छी वापसी की थी, लेकिन दूसरे दिन के दूसरे सत्र में पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी 4 अहम विकेट चटक कर मैच में दबदबा बना लिया। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और एडवांस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए।